हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेडियो वर्ल्ड में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, और ऐसे में हम लोगों ने पिछले साल भारत का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राजनीति को ख़त्म कर लिया था। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस किया था हम लोगों ने, जो कि पिछले साल एग्ज़ाम में आए भी थे। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने पढ़ा दिया था। अब इसके आगे आपका था भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें हम लोगों ने लगभग 75 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था, और इसके बाद हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इन सारी वीडियो को जाके पहले देख लीजिए और इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है बीए के परीक्षा की तैयारी की, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो आप सभी लोग जाके लिंक पर क्लिक करके वो सारी वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, और कहाँ से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 76 से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग पिछले बार हम लोग कहाँ पर थे। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 पर थे। ठीक है, जिसमें था आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेबी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, यानी कि 76 नंबर। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। आपके ऑप्शन है ए नाबार्ड, बी क्षेत्रीय बैंक, सी भूमि विकास बैंक और डी सहकारी बैंक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड होगा। ठीक है, अगला है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी नाबार्ड की स्थापना हुई थी बेसिकली सन 1982 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मंद डंडिया एवं तेज डिया शब्दावली किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेयर बाजार से संबंधित है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निक्की है। ठीक है, अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की कुल जनसंख्या कितनी है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1.21 अरब। ठीक है, अगला है, भारत में पहली नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहले देख लेते हैं, 1872 है, 1878 है और 1881 है, और साथ ही साथ आपका 1890 है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881। ठीक है, भारत में पहली बार नियमित जो जनगणना हुई थी वह बेसिकली 1881 में हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15वीं थी। ठीक है, जो 2011 में जनगणना हुई थी वह भारत की 15वीं जनगणना थी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या विभाजक दशक किसे माना जाता है। ठीक है, आपका सवाल है, भारत में जनसंख्या विभाजक दशक किसे माना जाता है, किस दशक में भारत में जनसंख्या का विभाजक हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1911 से 1921 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें अनुसूचित जनजातियाँ निवास करते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ निवास करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य को घटता हुआ क्रम है। ठीक है, 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें जो जनसंख्या वाले राज्य थे, सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य थे, उनका घटता हुआ क्रम क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा आपका था उत्तर प्रदेश, उसके बाद क्या था महाराष्ट्र था, उसके बाद बिहार था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश का था, लेकिन जो सबसे कम था वह था किसका, सिक्किम का था, इसके बाद मिजोरम का, फिर अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं,
सर्वाधिक घनी आबादी वाले राज्य घटते क्रम में कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा घनी आबादी कहाँ की थी? तो सबसे ज़्यादा घनी आबादी जो थी वह थी बिहार की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दोनों में बिहार दिया गया है, तो बिहार के बाद कौन आएगा? बिहार के बाद पश्चिम बंगाल आएगा, दोनों में है, और पश्चिम बंगाल के बाद केरल आएगा, न कि महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम घनी आबादी वाले राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसको देख लेते हैं कौन कौन से इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश जो था आपका वह क्या था, सबसे कम इसकी घनी आबादी थी, फिर मिजोरम था, फिर सिक्किम था। देखिए इसमें उल्टा दे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे कम घनी आबादी वाले राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, तो बढ़ता हुआ यानी कि सबसे पहले जो रहेगा वह सबसे कम वाला रहेगा, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले रहेगा, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम रहेगा। तो अगला देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2001 से 11 यानी कि 2001 से 2011 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 17.7%। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर साल यह आ जाता है परीक्षा में, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 943। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सर्वाधिक है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल में। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में स्त्री साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप में। ठीक है, अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में सबसे कम है। ठीक है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो ऐसे कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें जनसंख्या जो है वह सर्वाधिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से है जो भारत का सबसे बड़ा जिला है वह है थाने, यानी कि महाराष्ट्र में जो है वह थाने। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यह तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा इसका आंसर। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, ध्यान देंगे। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका 2.64 तो नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1.64 होगा। ठीक है, ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें सब में 64 दे दिया है लास्ट में, और 64 आपको इतना तो याद रहता है लेकिन स्टार्ट का नहीं याद रहता है, कई लोग को 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन में दे दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा 1.64। ठीक है, 1.64% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भार प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 382। ठीक है, अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता दर क्या है, ठीक है, कितनी थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 65.46। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जीवन अपेक्षा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 65.4 वर्ष। ठीक है, अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सबसे कम था। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, कई लोग रिजर्व बैंक को मार देते हैं लेकिन भारतीय स्टेट बैंक होगा। अगला प्रश्न है, अस्थायी संपत्ति क्रय करने या वर्तमान संपत्ति में वृद्धि करने पर किया गया व्यय कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूंजीगत व्यय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, देनदारों की राशि में वृद्धि फिर किस में कमी आ जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रोकड़ में। ठीक है,
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108 से 150 तक, ठीक है, 153 तक, ठीक है। और इसके PDF के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है DDU वर्ल्ड, ठीक है, जो कि इस चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है DDU वर्ल्ड। और इंस्टाग्राम पर भी आप सभी लोग फॉलो कर लीजिए DDU वर्ल्ड के नाम से, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।